नमस्कार दोस्तों, मेरे और आपके चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आते रहती हूं देश दुनिया की हर एक चटपटी खबरें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। बॉलीवुड की तरह अब भोजपुरी सिनेमा में भी अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। कुछ इसी तर्ज पर बनी भोजपुरी फिल्म चनाजोर गरम कल से सिनेमा घरों में आ रही है। फिल्म का ट्रेलर रोमांच से भरा हुआ है। शुरुआत में एक नागिन को दिखाया जाता है। आखिर कौन है ये नागिन, जिसके आने के बाद चारों तरफ तहलका सा मच जाता है और बाद में ये नागिन एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लेती है। इस फिल्म के गाने काफी हिट हो रहे हैं। राजस्थानी क्वीन के नाम से मशहूर अभिनेत्री नेहाश्री ने इस फिल्म का निर्माण किया है। इसके निर्देशक और संगीतकार रितेश ठाकुर ही हैं। चनाजोर गरम की कहानी कहानी नाग नागिन की प्रेम कहानी पर आधारित है। निर्देशक रितेश ठाकुर के अनुसार फिल्म में हर वो रंग है जो भोजपुरी दर्शकों को खूब पसंद आएगा। बता दें, निर्देशक रितेश ठाकुर भोजपुरी के उन निर्देशकों में से एक हैं जिनकी हर फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। रितेश ठाकुर इससे पहले भोजपुरी में बहुत सारे फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और सारी फिल्में सुपरहिट रही है। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे भोजपुरी के स्टार गायक प्रमोद प्रेमी यादव, आदित्य ओझा, नेहाश्री, पूनम दुबे, कृष्णा गोस्वामी। यह फिल्म 23 मार्च से बिहार और झारखंड के सभी सिनेमा घरों में एक साथ रिलीज की जा रही है। आशा जताई जा रही है कि फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सफलता का एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।